इंडिया मेमोरियल हॉल सुशील मोदी सभागार पटना में आयोजित किया गया। इस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू सिंह के नेतृत्व गया से सैकड़ों की संख्या में जिला कमेटी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंच मोर्चा मंडल अध्यक्ष सहित प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा के सह प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सभी कार्यकर्ता लगकर एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए अभी से जनता से रूबरू हो और बिहार के विकास में एनडीए के द्वारा किए गए कार्यों को जनता को आने वाले उपचुनाव में दोनों सीट पर एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगा। पटना में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विस्तृत प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें गया से भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच मोर्चा के सभी जिलाध्यक्षगण एवं जो सभी अपेक्षित जितने भी पदाधिकारी थे, आज पटना के किस मेमोरियल हॉल में हम सब लोग आए हैं और अपने बिहार के नेतृत्व जिनके हाथों में हैं, उनकी जो आगे के जो मार्गदर्शन है उनको हम सब लोगों ने सुन रहे हैं। आज हम सैकड़ों की संख्या में क्या से चलकर आए हैं और आगामी जो 2025 का जो हम लोगों का मिशन है, बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने, उसके लिए आज हम सब लोग संकल्पित होकर इस कार्यक्रम से आज हम गया जाएंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी जिला के वरिष्ठ कार्यकर्तागण हम लोग संकल्पित हुए हैं कि आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और बिहार में चौमुखी विकास की संभावना बढ़ गई है।